नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो है एक ऐसे बैंक के लिए जिसका नाम तो यस है बट लोगों ने उसको नो बैंक का मजाक में एक टाइटल देके रखा है। बहुत टाइम से ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, फाइनेंशियल्स खराब हो गए, कंपनी खराब हुई, कंपनी के प्रमोटर माल बेच के भाग गए। आज कंपनी के प्रमोटर्स की अगर बात करने की कोशिश करें तो शायद बड़ा चौंकाने वाला फैक्ट आपके सामने है। अगर इन्वेस्टर कॉलम पर अगर आप जाके देखते हैं तो प्रमोटर्स के पास में मार्च 2020 में सिर्फ 1% इक्विटी बची थी और उसके बाद भी उसको भी बेच के भाग गए। और देखेंगे तो अभी तक प्रमोटर्स ने अपना माल खरीदना स्टार्ट नहीं किया। सिर्फ एक ही से पॉजिटिव पॉइंट दिखाई देता है कि FIs ने इसमें इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया है 7.92 से सितंबर 2021 एंडिंग क्वार्टर में, और दिसंबर 2021 को एंडिंग क्वार्टर को कंपेयर करने की कोशिश की तो 7.92% से FIs ने अपनी होल्डिंग को बढ़ा के 8.17% किया है। गाइस मेरा मानना है कि FIs किसी भी स्टॉक के अंदर में ऐसे ही नहीं घुस जाते। गाइस मेरा इस वीडियो को बनाने के पीछे आपको रिकमेंड करना बिल्कुल भी नहीं है सेल या परचेज करने के लिए, आपका अपना एनालिसिस अपना डिसीजन खुद लीजिएगा। मैं अपनी स्टडी आपसे शेयर कर रहा हूं। मुझे लगता है कि FIs अगर आ रहे हैं तो कोई ना कोई वजह हो सकती है, क्योंकि इतने खराब स्टॉक के अंदर में अगर वो आना चाह रहे हैं तो देर could be something which they are forcing, क्योंकि FIs इतने समझदार होते हैं, हमसे आपसे तो बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं, क्योंकि उनके पास टीम रहती है, डेटा एनालिसिस होता है, डेटा का एक्सेस उनके पास ज़्यादा होता है, मैनेजमेंट के डायरेक्ट टच में होते हैं, कहीं ना कहीं वो फॉरवर्ड लुकिंग होते हैं, उनका एक प्रोजेक्शन होता है जिसके अंदर वो काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे अगर देखने की कोशिश करें, यस बैंक के चार्ट पे चलेंगे, पहले प्रॉफिट लॉस को देख लेते हैं कि बैंक कुछ कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर पिछले साल के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ कंपनी अभी भी लॉस में है, इसमें कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं है। बट मार्च 2021 में जहां कंपनी 4,735 करोड़ के लॉस में थी, वहीं अभी पिछले ट्रेलिंग 12 मंथ्स में ये समझा जा रहा है कि इसका जो लॉस है थोड़ा कम हुआ है, बट फिर भी 4,000 करोड़ के लॉस में है कंपनी। जहां कंपनी मार्च 2019 तक प्रॉफिट में हुआ करती थी, वही कंपनी गिर के लगातार 20,000 करोड़ के डेट में आई, फिर अभी भी वो लॉस में ही है, नॉट डेट, अभी भी लॉस में ही है। तो यहाँ पे ये कोई इंटरेस्टिंग चीज़ में नहीं दिखाई देती। अगर क्वार्टर की बात करें तो अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करने की कोशिश करें तो क्वार्टरली यहाँ पे थोड़ा सा एक सही चीज़ ये दिखाई देती है कि जून 2021 से कंपनी लगातार 200 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट को मैनेज कर रही है। ये एक चीज़ कहीं ना कहीं थोड़ी इंटरेस्टिंग बन जाती है ना। तो यहाँ पे अगर देखें तो बस दिस इज द ओनली साइन एन FIs, तो और ये कोई लंबा चौड़ा इतना बड़ा फैक्टर नहीं है जिसके ऊपर हम इसके ऊपर शेयर में पैसे लगाए। बट हाँ, अगर ये देखें कि बैंक है, बैंक बंद नहीं हुआ है, तो जहाँ बैंक पहले सिर्फ कॉर्पोरेट लैंडिंग में ज़्यादा काम करता था, वहीं इसका फोकस रिटेल लैंडिंग की तरफ भी काफ़ी टाइम से जा चुका है। हालांकि शेयर के चार्ट को देखें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जैसे कोई इंसान जब ICU में चला जाता है ना, उसकी वेव जैसे शांत हो जाती है, तो बिल्कुल ऐसी शांत वेव है। बट स्टॉक मार्केट इसी चीज़ का नाम है, जब कोई स्टॉक बिल्कुल ही शांत हो जाता है और जब उसमें इन्वेस्टर्स आने लग जाते हैं तो वहाँ से वो स्काई रॉकेट होने की तरफ चल पड़ता है। तो कुड बी ए पॉसिबिलिटी, क्योंकि एक बैंक है, बैंक को अगर बर्बाद और बंद होना होता तो हो चुका होता। बट मेरे हिसाब से यहाँ पे कोई ना कोई तो माल उठा रहा है FIs का, तो मुझे हिंट मिल ही रहा है। आने वाले टाइम में उसका प्रमोटर भी इसमें वापस आते दिखाई दें, और जिन लोगों ने, जिन बैंक्स ने इसका स्टेक 60 रुपये के आसपास में, HDFC बैंक, ICICI बैंक, बड़े बड़े बैंक ने 60 से 70 रुपये के बीच में जो माल उठाया था, अगर उन्होंने उस माल को नहीं बेचा है तो कुछ भी पोटेंशियल कि आने वाले कुछ सालों में ये वो प्राइसिंग तो ज़रूर देगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो अभी पोटेंशियल ब्रेकआउट इसका होना चाहिए वो जब तक नहीं होगा जब तक ये स्टॉक 16 रुपये को पार नहीं करेगा। जब तक ये स्टॉक 16 रुपीज़ के नीचे में है, जब तक 16 रुपीज़ के नीचे में है तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक अंडर प्रेशर ही रहने वाला है। तो अगर आपको इसका ब्रेकआउट तलाशना है कि ब्रेकआउट कब हुआ, तो जिस दिन ये 16 रुपये से ऊपर चलेगा उस दिन ये ब्रेकआउट देगा। 15 रुपये 16 रुपये ये एक रेंज रहने वाली है, जिसके ऊपर जब तक नहीं चलता इसमें कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं आने वाला है। पर अगर वॉल्यूम के ऊपर नजर डालने की कोशिश करें तो क्या वॉल्यूम हो रही है, चलिए वॉल्यूम देख लेते हैं, वॉल्यूम कैसी हो रही है। वॉल्यूम भी ठीक ठाक सी वॉल्यूम है, और कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो यहाँ पे बाइंग का सेंटिमेंट आपको दिखाई दे रहा है, मतलब स्टॉक को एक्युमुलेशन फेज में आप कह सकते हैं स्टॉक एक्युमुलेट कर रहा है, तो दिस इज समथिंग वेरी वेरी गुड साइन। ठीक है, तो दिस इज अ गुड साइन, बट यहाँ पे कीपिंग स्टॉप लॉस क्या रहेगा, दिस वुड बी अ स्विंग स्टॉप लॉस। इसके नीचे का बाजार चलता है तो मेरे हिसाब से मैं इसमें पोजिशन नहीं बनाने वाला हूँ जब तक ये 11 रुपये अगर तोड़ देगा। 11 रुपये से ऊपर है ठीक है, 11 रुपये से नीचे आएगा तो फिर इसमें से निकलने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे अगर आपको पोजीशंस बनानी है तो यहाँ पे आपको इसका एक टारगेट लेके चलना होगा कि पूरे साल में कभी भी 9 रुपये से नीचे की क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए। आप समझ लीजिए 9 रुपये का अल्टीमेट स्टॉप लॉस रहेगा, और हाल फिलहाल जैसे 12 रुपये 90 पैसे चल रहा है तो 11 रुपये का एक वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस रहेगा, और असली ब्रेकआउट इसका 16 रुपये के बाद ही आएगा। तो मैं अपनी पोजीशन से इसमें जब बनाने वाला हूँ जब 16 रुपीज़ के ऊपर क्रॉस करेगा। बट अगर मुझे एक्युमुलेट करना है
तो कोई बुराई नहीं है, अगर मुझे एक्यूमलेट करना तो मैं एक्यूमलेशन स्टार्ट करता हूँ अभी फिलहाल 12 रुपये 13 रुपये के आसपास चल रहा है, 13 रुपये से 9 रुपये की आप रेंज समझ लीजिए माल उठाना है। और ऐसे स्टॉक के अंदर में आप अपनी कैपिटल का एक रिस्की 5 से 10% हिस्सा जिसको आप भूलने के लिए तैयार हों, जो रिस्क में लगा सके, तो ये स्टॉक ऐसा एक स्टॉक हो सकता है जो कल को अगर रिवाइव हुआ तो ये 5 से 10% आपके पोर्टफोलियो को चमका सकते हैं। नहीं तो ये उतना पैसा होना चाहिए जिसको जाने का आपको डर ना हो। बाजार में थोड़ा तो रिस्क लेना पड़ता है। कुछ लोग ऐसा कहेंगे यार रिस्की स्टॉक बता दिया, भाई मैं रिस्की स्टॉक रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, बट अगर स्टॉक मार्केट में आप रिस्क नहीं ले सकते तो रिवार्ड भूल जाइए। रिस्क तो आपको लेना ही हो, कैलकुलेटेड रिस्क आपको लेने ही हो। तो आई होप गाइस येस बैंक की वीडियो आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी, बहुत ही शॉर्ट एंड प्रिसाइस है, आपके बहुत सारे डाउट को सॉल्व कर पाएगी। अगर आपके डाउट सॉल्व हुए हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, वीडियो को प्रेस कीजिएगा लाइक और आगे बढ़िएगा ताकि ये वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और अगर आप चाहते हैं किसी और स्टॉक पे वीडियो बनाऊं तो उसको भी कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाला हूं सजलॉन एनर्जी के ऊपर में, तो प्लीज ये भी देखिए और उसको भी वॉच कीजिएगा। दोस्तों शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।